नमस्कार दोस्तों, गर्ल ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको कॉलर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये ब्लाउज का फैब्रिक लिया है और ये अस्तर लिया है। सबसे पहले हम अस्तर में इसकी कटिंग करेंगे। इसको हम खोल लेंगे, खोलने के बाद इसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद हम इसमें बैक पार्ट की पहले कटिंग करेंगे, तो ये हम फोल्ड साइड से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसका नाप मैंने सामने लिख दिया है। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लेंथ इसकी 13 इंच है, 13 इंच में हम 2 इंच प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए। अब देखिए, इससे निशान लगाने के बाद अब हम इसमें तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा इसका 14 इंच का है, तो 14 इंच में हम हाफ 7 इंच पे निशान लगाएंगे। 7 ही इंच पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये आर्म होल का भी निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद इस तरह से लाइन बना देंगे। अब हम इसमें चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 32 इंच की है, तो आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसे 4 से डिवाइड कर दें और फिर उसमें 2.25 इंच का मार्जिन दे दें। आप चाहे तो 1.5, 2 या 2.25 इंच का मार्जिन दे सकते हैं। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 26 इंच की है, 4 से डिवाइड करने के बाद मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है, 1 इंच प्लेट का और 2.25 इंच इसके मार्जिन का। अब हम इस तरह निशान लगाने के बाद स्केल से लाइन बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह लाइन बना दिए, आर्म होल की भी गोलाई दे देंगे। अब हमने आर्म होल की भी गोलाई दे दी है। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने बैक पार्ट को इस तरह से रखना है। तो देखिए, 1/2 इंच हमें आगे की तरफ ज़्यादा रखना है हुक आई की पट्टी के लिए। पहले हम ये कनी को निकाल देंगे, तो ये कनी हमारा एक्स्ट्रा है। फिर हम 1/2 इंच को आगे ज़्यादा रखते हुए बैक पार्ट को रखना है। नीचे से भी हम 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि आगे की तरफ हमारी प्लेटी बनती है तो हमारा कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए हम 1/2 इंच नीचे से भी ज़्यादा लेंगे। अब इस तरह निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद अब हम इसकी किनारी भी निकाल देंगे। तो देखिए, हमने इसकी किनारी निकाल दी। अब हम इसमें बैक पार्ट को अलग कर देंगे। बैक पार्ट निकालने के बाद फ्रंट के हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पर इस तरह निशान लगाएंगे जैसे हमने 7 इंच पे दिया था, और यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए, 6 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसमें एक तिरछी लाइन बना देंगे। इसे लाइन बनाने के बाद इसमें हम गोलाई दे देंगे। तो ये आर्म होल की गोलाई दे दी है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब कटिंग करने के बाद अब हम नेक का निशान लगाएंगे। पहले हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे जो हमने आई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच आगे की तरफ छोड़ा था। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम गले का निशान लगाएंगे। गले की जो हम चौड़ाई लेंगे वो लेंगे हम 2.5 इंच की। 2.5 इंच का निशान हम आई हुक की पट्टी को छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम इसके लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी इसकी 7 इंच की है, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। आपको जितनी भी लेंथ रखनी है उस हिसाब से निशान लगा लें। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम इसमें गोलाई दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें इसकी ये गोलाई देनी है। अब हम प्लेटों का निशान लगाएंगे। प्लेटों का निशान हम 3.5 इंच पे लगाएंगे। इसमें भी हम देखिए आयुक्त की जो पट्टी को निशान को छोड़ते हुए निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अब स्केल से हम सीधी लाइन बना लेंगे। ऊपर से मैं 10 इंच पे इसका टेक्स्ट पे निशान लगाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये 10 इंच पे निशान लगाया है। अब हम दोनों तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 यहाँ से भी, 1.5 यहाँ से भी। इससे निशान लगाने के बाद अब हम स्केल से इसमें थोड़े से टेढ़ा करते हुए, देखिए इस तरह टेढ़ा करते हुए प्लेटों का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे ऊपर निशान लगाते हुए इसको भी हम बिल्कुल बीच में इस तरह रखते हुए निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा प्लेटों का निशान लग गया है। यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे को करते हुए निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये चारों तरफ निशान लगाने हैं। इसे निशान लगाने के बाद अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, जो भी हमने प्लेटें डाली हैं इसके हम सारी तरफ इस तरह से कट लगा देंगे। अब हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद देखिए, ये हल्का हल्का निशान इधर से आ गया है। अब इन निशान को गहरा करते हुए हम स्केल से निशान लगा लेंगे।
इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम इसको हटा देंगे। अब हम बैक पार्ट लेंगे, तो बैक पार्ट में भी हम पहले प्लेटों का निशान लगाएंगे। इसके हम प्लेटों का निशान 4 इंच पर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ 4 इंच पर निशान लगाने के बाद ऊपर से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने ये 10 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे बैक में भी प्लेटों का निशान लग गया है। अब हम गले का ऊपर से हम इसके कॉलर के लिए कट देंगे। तो इसके लिए हमने देखिए 2.5 इंच पे चौड़ाई पे लगाया है और नीचे हम 1 इंच पे लगाएंगे। तो 1 इंच पे हम निशान लगाने के बाद इसको हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये कॉलर के लिए हमें इस तरह से कटिंग करनी पड़ती है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू के लिए पहले हमने इसको डबल कर लिया, फिर एक तय और लगाएंगे। तो ये हम 4 तय में कर लेंगे। अब हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो लेंथ हमारी ये पूरी 8.5 इंच की आ रही है। तो देखिए ये हमारी ये पूरी 8.5 इंच की आ रही है। 8.5 इंच पर हम दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे और फिर हम यहाँ पर एक लाइन सी बना देंगे। इसकी चौड़ाई भी मैंने 8.5 इंच की ली है। अब हम नीचे डाउन करते हुए इसमें 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम इसमें गोलाई देंगे बाजू की। तो देखिए इस तरह बाजू की गोलाई देने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम नीचे से मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी इसकी 5 इंच की है। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे और 2 इंच का हम इसमें मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो देखिए मार्जिन का निशान लगाने के बाद अब हम स्केल से इस तरह से एक लाइन बना लेंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पे ऊपर बीच में कट दे देंगे और फिर खोल देंगे। खोलने के बाद अब आगे की तरफ से भी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे बाजू के आगे की तरफ की भी कटिंग हो गई है। अब हम ब्लाउज का मेन फैब्रिक लेंगे। तो देखिए ये मैंने ब्लाउज पीस को डबल करते हुए रख दिया है और फोल्ड साइड से हमें बैक पार्ट को रखना है और दूसरी साइड हमें ये फ्रंट पार्ट को रखना है। इसे रखने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से ब्लाउज पीस को हमें रखना है और फिर ये कटिंग कर देना है। कपड़े को हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करेंगे। अब देखिए इसकी मैंने ये कटिंग कर दी है दोनों पार्टों की। अब हम बाजू के भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इसमें भी हम इसको इस तरह से डबल में रख लेंगे, फिर एक तय लगा के 4 तय में कर लेंगे और इसके ऊपर बाजू को रखते हुए हमें इसकी भी इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। अब बाजू की भी कटिंग हो गई है। इसको हमें इस तरह से सेट करते हुए ऊपर की तरफ रखना है। अब हम इसको खोल देंगे। खोलने के बाद देखिए इसके ऊपर हमें अस्तर को इस तरह से रखना है और रखने के बाद इसकी हम पहले चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से फ्रंट पार्ट की भी सिलाई करनी है। तो देखिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो सिलाई को हमें नीचे से रखते हुए हमें सिलाई शुरू करनी है। अब मैंने इसके चारों तरफ ये सिलाई कर ली है। अब देखिए जो ये एक्स्ट्रा में कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने इसके एक्स्ट्रा कपड़े की भी कटिंग कर ली है। अब हम पहले बैक पार्ट की प्लेटें देंगे। तो इसको हम 1/2 इंच के मार्जिन से हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो नीचे से हम 1/2 इंच के मार्जिन लेते हुए और ऊपर से कम करते हुए इसमें प्लेटें डालेंगे। तो इसी तरह हम ये दूसरी प्लेट भी डाल लेंगे। तो ये दोनों प्लेटें डालने के बाद अब हम इसमें लंबाई का निशान लगा के नीचे से इसको फोल्ड करेंगे। तो इसकी तैयार लेंथ हमारी ये 13 इंच की है। 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा तो हम यहाँ पे 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह हम ये दूसरी तरफ भी 13.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ निशान लगाने के बाद इसको फोल्ड कर देंगे। तो पहले एक फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें कच्ची सिलाई देंगे क्योंकि बाद में इसमें हम तुरपाई देंगे। अब हमने इसका बैक पार्ट तैयार कर लिया है। तो देखिए हमने ये नीचे की तरफ इस तरह से सिलाई लगाई, बाद में हम इसमें तुरपाई कर देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हम इसके चारों तरफ पहले सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने इसमें ये चारों तरफ सिलाई लगा ली। अब जैसे जैसे मैंने इसमें सिलाई लगाई है इसी तरह से हमें ये दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए इसे भी सेट करते हुए मैंने ये इसमें सिलाई लगा ली है। तो दोनों पार्टों में मैंने ये सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था उसकी हमने कटिंग कर दी है।
अब हम इसकी प्लेटें बनाएंगे। तो प्लेटें बनाने से पहले अब जैसे हमने ये निशान लगाया है, आप चाहे तो पहले यहाँ पे एक रफ सिलाई भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो अस्तर और मेन फैब्रिक है उससे प्लेटें अच्छे से आएंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सिलाई कर ली। आप चाहे तो ये इन चारों में भी सिलाई लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ दो में सिलाई लगाई है। अब हम इसकी प्लेटें बनाएंगे। तो हम ये नीचे की प्लेटें आधा इंच के मार्जिन से बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये दूसरे में भी आधा इंच के मार्जिन से प्लेटें बनाएंगे। बाकी की जो ये तीनों प्लेटें बनेंगी वो हमारे मशीन का जो एक पैर होता है उसके मार्जिन से बनेंगे। तो देखिए हमें ये एक पैर के मार्जिन से हमें इसमें प्लेटें डालनी है। इस तरह से हमें ये दोनों पार्टों में प्लेटें डाल लेनी है। तो देखिए मैंने ये दोनों तरफ इस तरह से प्लेटें डाल दी हैं। अब जो हमने ये कच्चा लिया था तो इसको हम ऐसे निकाल देंगे। अब हमारी ये प्लेटें लग के तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें हुक आई की पट्टी लगाएंगे। तो ये हमारे हुक की पट्टी है, ये मैंने अस्तर की हुक की पट्टी कटिंग करी है। तो ये हमारी 7 इंच में डबल में, ये मैंने आई के लिए पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच की ली है। ये हमारा मेन फैब्रिक का कपड़ा होता है। तो देखिए जो हम आई की पट्टी लाएंगे इसको हम ऐसे डबल करके इस तरह से लगाएंगे। तो एक पैर के मार्जिन से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे और ऊपर से भी एक सिलाई लगा देंगे। अब हम आई की पट्टी लाएंगे। आई की पट्टी को हमें उल्टी तरफ रखते हुए लगाना है। तो देखिए मैंने ये पार्ट को उल्टी तरफ करते हुए लगा दिया है। इसको भी इस तरह से पलट देंगे और फिर ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। अब हम ये दूसरा पार्ट लेंगे हुक वाला। तो देखिए इसमें जो हमने हुक की पट्टी लगाई थी इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे। अब हम इसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि बाद में हम इसमें तुरपाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। अब ये हमारी आई की पट्टी है, इसको सीधी तरफ इस तरह से पट्टी को बाहर की तरफ निकालते हुए हमें ये फोल्ड करना है। अब बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे, फिर एक पैर के मार्जिन से हम एक और सिलाई लगाएंगे अंदर की तरफ। ये आई की पट्टी भी लग के तैयार हो गई है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हम गला तैयार करेंगे, इसमें हम उरेब पट्टी लगाएंगे। तो उरेब पट्टी के लिए हम अस्तर का इस तरह का एक कपड़ा लेंगे, इसको हम ऐसे तिकोना मोड़ देंगे। तिकोना मोड़ने के बाद इसमें हम ये तिरछी पट्टी काटेंगे। तो ये इसकी उरेब पट्टी कटी है गले में लगाने के लिए। ये उरेब पट्टी कट गई है, इसको हम ऐसे पकड़ के हल्का हल्का सा खींच लेंगे। तो देखिए ये दोनों पट्टियों को मैंने इस तरह से खींच दिया। अब हम इसको गले में लगाएंगे। तो इस तरह से रखते हुए हमें ये एक पैर के मार्जिन से इसमें सिलाई लगानी है। पट्टी को हमें बिल्कुल हल्का सा खींचते हुए सिलाई लगानी है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, हल्का सा खींचते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। अब जिस तरह से हमने ये एक तरफ पट्टी लगाई है इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी उरेब पट्टी को लगा लेंगे। अब देखिए मैंने ये दोनों तरफ की पट्टी लगा ली है। अब जहाँ इसकी गोलाई आ रही है वहाँ पे हम कट लगाएंगे। तो ये गोलाई में हमें ये छोटे छोटे कट देने हैं सिलाई को बचाते हुए। इसी तरह हम ये दूसरी तरफ भी कट दे देंगे। दोनों तरफ कट देने के बाद अब हम इसको मोड़ेंगे। तो देखिए जो हमारा मार्जिन है, मार्जिन को हमें ये पट्टी की तरफ रखना है और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें बिल्कुल पट्टी पे किनारे पे सिलाई लगानी है। सिलाई हमें बिल्कुल पट्टी के किनारे पे लगानी है। तो देखिए इस तरह सिलाई लगाने के बाद जैसे हमने इसमें लगाई है इसी तरह हमें ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये दोनों तरफ में ये इसमें सिलाई हो गई है। अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये पीछे की तरफ देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा आधा इंच आगे की तरफ ज़्यादा था, इसको हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद इसमें हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो इसमें पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं, मैं इसमें कच्ची सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि बाद में इसमें भी हम तुरपाई कर देंगे। इसी तरह से ये दूसरे पार्ट की भी पट्टी को भी मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा ये फ्रंट का गला तैयार हो गया है। तो कितनी फिनिशिंग से हमारा ये आगे का गला तैयार हुआ है। अब हम इसके तीरे की सिलाई करेंगे। इसके लिए पहले हम ये बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट को इस तरह सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे। देखिए इससे उल्टा करते हुए हमें ये रखना है और फिर तीरे की सिलाई लगानी है।
इसमें हम मुंडी की तरफ से थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे और गली की तरफ हम कम कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें ये दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। हमें देखिए गली की तरफ से हमें ये थोड़ा कम मार्जिन लेना है ये, और फिर मुंडी की तरफ जाते हुए हमें ये थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। इससे हमें थोड़ी ये तिरछेपन में तीरे की सिलाई लेनी है। तो देखिए दोनों तरफ हमने ये तीरे की सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से जो ये कोने निकल रहे हैं इसकी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो इस तरह कटिंग करने के बाद इसको ऐसे डबल में फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमें ये इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद दोनों तीरों की सिलाई को मिलाते हुए ऐसा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है, पहले हम कटिंग कर देंगे। लगा लेंगे सर। करने के बाद में बीच सेंटर में हमें इसमें कट देना है। ये हमारा बिल्कुल बीच में कट देना है ताकि कॉर्नर लगाने में हमें आसानी हो। देखिए इससे रखते हुए हमारी ये गले की इस तरह शेप आएगी। अब हम इसके कॉलर की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये बुकरम की पट्टी ली है। इसकी जो पट्टी की चौड़ाई है वो हमने 1 इंच ये ज़्यादा लिया है। और इसकी जो लंबाई है हम तैयार 12 इंच लेंगे, पर मैंने ये पट्टी 12.5 इंच की ली है क्योंकि शेप देते समय हम इसमें 12 इंच की तैयार पट्टी करेंगे। तो देखिए अब इसे डबल करने के बाद अब हम यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाएंगे। हमें 12 इंच का कॉलर तैयार रखना है। तो ये मैंने आधे पे 6 इंच पे निशान लगा लिया है और फिर इसमें हम इस तरह से कॉलर की गोलाई देंगे। तो देखिए इस तरह हमें ये कॉलर की गोलाई देनी है। कॉलर की गोलाई देने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग कर दी है। तो ये मैंने कॉलर की भी शेप देते हुए इसकी कटिंग कर दी है। मैं आपको इसकी तैयार लंबाई दिखाती हूँ। तो देखिए ये पूरे 12 इंच की आई है। अब हम इसे कपड़े में सेट करेंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है, इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे ताकि हमारे बुकरम कपड़े में से दिखे नहीं। अब इसके ऊपर हम ये बुकरम रखेंगे। तो देखिए इसे रखते हुए हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। नीचे से हम 1/2 इंच ऐसे मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़े के यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको सीधा करके, तो देखिए इस तरह करके इसको ऐसे मोड़ेंगे। इस तरह मोड़ने के बाद हमें यहाँ किनारे पे बिल्कुल बुकरम के किनारे पे सिलाई लगानी है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे हम पहले रख के पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना है हमें बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल उसके बराबर में सिलाई लगानी है। अब आने के बाद भी इसे पक्का कर लेंगे। तो देखिए अब हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे यहाँ से। अब ऊपर से भी यहाँ से भी ये कोने को निकाल देंगे। इसे दोनों तरफ से ये कोने को निकालते हुए हम यहाँ पे छोटे छोटे कट देंगे। दोनों तरफ कट देने के बाद अब हम इसको पलट देंगे। तो देखिए इस तरह हमें इसको पलट देना है। अच्छे से पलटने के बाद हमें इसको ऐसे सेट कर देना है। फिर हम इसमें एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे अच्छे से ये कॉलर बैठ जाए। तो ये हम कच्ची सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ, बाद में हम इसे लगाने के बाद उधेड़ देंगे। अब देखिए मैंने दोस्तों ये कच्ची सिलाई लगा ली है। अब देखिए अब हमने इसको बिल्कुल बराबर में हमें इस तरह से निशान लगाना है यहाँ पे। इस तरह निशान लगाने के बाद अब 1/2 इंच के मार्जिन को छोड़ते हुए हमें एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है। इस तरह कटिंग करने के बाद अब हम इसको ऐसे डबल में कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मोड़ने के बाद बिल्कुल बीच में हम एक छोटा सा कट का निशान लगाएंगे। अब हम इसे गले में लगाते हैं। तो देखिए ब्लाउज को मैंने ये उल्टी साइड से रखा हुआ है। हमें कॉलर को ये उल्टी साइड से लगाना है, बिल्कुल बीच में कट से कट को मिलाते हुए। अब जहाँ हमने ये चौक से निशान लगाया था इसी के ऊपर हमें सिलाई चलानी है। तो देखिए इसी तरह रखते हुए हम इसी के ऊपर सिलाई चलाएँगे। अब जो ये तीरे का मार्जिन आ रहा है इसको हमें ये पीछे की साइड रखना है। ये पीछे की तरफ करते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ से पक्का कर देंगे। अब देखिए इसको भी हम इससे दूसरी तरफ से ऐसे मिलाते हुए हमें निशान लगाना है। जहाँ पे हमारा ये आगे तक कॉलर आया था उस पे मैंने ये इस तरह से निशान लगा लिया। फिर वहीं से ही हमें कॉलर को रखते हुए सिलाई लगानी है जिससे कि हमारी ये दोनों तरफ कॉलर बराबर आए। अब यहाँ पे पहले हम पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद हम इसमें भी सिलाई लगा देंगे।
अब देखिए हमारी ये सिलाई लग गई। अब हम इसको सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद देखिए इस तरह से हमें ये सीधी तरफ ऐसे पलटना है। अब जो हमारे बीच का निशान है तो देखिए बिल्कुल ये बीच का निशान इस तरह रखते हुए हमें पीछे से ही सिलाई शुरू करनी है। कॉलर के हमें बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह सारे मार्जिन को अंदर की तरफ करते हुए हमें पूरे मार्जिन को अंदर की तरफ करते हुए हमें बिल्कुल किनारे पे कॉलर के सिलाई लगानी है। अब इस तरह मोड़ते हुए यहाँ पे भी आने के बाद तो देखिए इस मार्जिन को हम पूरे अच्छे से अंदर की तरफ कर देंगे और फिर ऐसे मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बीच में आते हुए इस सिलाई को निकाल देंगे। यहीं से हमने सिलाई शुरू करी थी, अब यहीं पे आके ख़त्म कर दी। तो अब ये हमारी कॉलर लग के तैयार हो गई। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने ये कॉलर को लगा दिया। अब हम इसकी बाजू तैयार करेंगे। तो बाजू की जो हमने ये कटिंग करी थी तो देखिए इसमें हम अस्तर को इस तरह सेट करेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए। ये हमारे दोनों पार्ट उल्टी तरफ से हैं, अस्तर को भी और इसको भी, अंदर की तरफ हमारे सीधे है। अब हम इसमें ऐसे सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे, अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए इसको पलट देंगे तो ये सीधी साइड आ गई है। अब बिल्कुल इसके किनारे में सिलाई लगा देंगे। अब इसी तरह हम ये दूसरे में भी पलट के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसमें भी ऐसे सिलाई लगा दी है। अब हम अस्तर को सेट करते हुए तो देखिए बिल्कुल किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरी बाजू में भी सिलाई लगा देंगे। अब हम जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोनों बाजू के मैंने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली। अब ये सीधी साइड है, इसमें हम ब्लाउज का बॉर्डर लगाएंगे। तो देखिए इसको मैंने ये दो पीस कर लिए दोनों बाजू के लिए। अब हम इसको ऐसे मोड़ते हुए बीच में निशान लगाएंगे। इसी तरह बाजू में भी हम बीच में ऐसे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए रखेंगे और फिर बॉर्डर को लगा देंगे। अब यहाँ से मोड़ने के बाद इसमें हम किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी बाजू भी मैंने ये तैयार कर ली है। अब ये हमारी बाजू भी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे ब्लाउज में अटैच करेंगे। अब देखिए इसको बाजू को ऐसे मिलाते हुए रखेंगे हम बिल्कुल बीच में से ऐसे मिलाते हुए और फिर इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने ये एक तरफ की बाजू लगा दी है। जिस तरह से ये बाजू लगाई है इसी तरह हम ये दूसरी तरफ भी बाजू लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों मैंने ये दूसरी तरफ भी बाजू लगा के तैयार कर ली है। अब हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें गुम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ब्लाउज को हमें इसे सीधी तरफ से ऐसे रखते हुए बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारे ये धागे वागे कपड़े के निकले नहीं। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से रखते हुए हमें ये किनारे पे सिलाई लगानी है। तो देखिए दोस्तों इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको ऐसे पलट देंगे। तो देखिए ये अब उल्टी साइड से अब हम इसको अच्छे से बिठाते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी गुम सिलाई लगेगी। अब इसमें मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब जिस तरह से मैंने यहाँ सिलाई लगाई है इसी तरह हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो इसकी चेस्ट थी 32 इंच की, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। तो ये मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिया है। ब्लाउज में हम बिल्कुल भी लूजिंग नहीं देते, जितनी फिटिंग हो उसी पर ही निशान लगाते हैं। कमर है 26 इंच तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगा दिया है। बाजू की मोहरी है 5 इंच की तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसमें ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब हम एक पैर के मार्जिन से एक और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह हमें ये डबल सिलाई लगा देनी है। अब जैसे मैंने यहाँ सिलाई लगाई है इसी तरह से ये दूसरी तरफ भी हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने ये दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम ब्लाउज को सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई इसकी 13 इंच है। अब यहाँ निशान लगाने के बाद देखिए इस तरह दोनों तरफ पार्ट को मिलाते हुए हम निशान लगा लेंगे।
अब निशान लगाने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। तो पहले हम एक फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा फोल्ड करते हुए इसमें हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। बाद में इसमें भी हम तुरपाई करेंगे। तो देखिए मैंने ये एक तरफ की ये सिलाई लगा दी है। अब जिस तरह यहाँ सिलाई लगाई है इसी तरह हम दूसरी तरफ भी मोड़ते हुए सिलाई को लगा लेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारे ये सिलाई लग गई है। अब इसमें हम बाद में तुरपाई कर देंगे। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका